उसने ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ग से आए थे। किताबों में स्वर्ग से लिखा है। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया वेलकम्स यू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ संकिसा। और मेरी आंखों के सामने है ना एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पर है, देख लो। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बताने वाला। स्ट्रिंग पियोगी? लो। नहीं पी रही। भैंस को भी पता है कि स्ट्रिंग अच्छी चीज नहीं होती। चले भास्कर। चलो भैया। चूल्हे पे देखो खाना बन रहा है यहाँ पे। ये जो है ना भास्कर का मोहल्ला है और यहाँ पर एक बुद्धविहार बनाया हुआ है या पार्क बनाया है बोल सकते हो, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? नाना मऊ। तो यहाँ पर बाबा साहब के बारे में लोग जानते हैं या फिर सिर्फ ऐसी मूर्तियाँ लगा दी हैं? बहुत अच्छी तरीका जानते हैं लेकिन मानते ना है। अच्छा, मानते हैं आडंबर को और बहुत सारे आजकल नए नए बाबा हैं ना जो जेल जात रहते हैं। उनको मानते हैं। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं संकिसा के बारे में लोग यहाँ पता है गाँव में जाते हैं ये लोग कभी? संकिसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर है ना ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध जो है ना वो स्वर्ग से नीचे उतरे थे और है ना उस जगह पर अपने प्रवचन दिए थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। ये तो यहाँ के लोगों ने ऐसी अफवाहें बना दी। वहाँ पर उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने बुद्ध से बोला था कि वो संकिसा आएँ और वहाँ अपने प्रवचन दें। फिर बुद्ध आए भी और उन्होंने अपने प्रवचन दिए और वहाँ खास बात ये थी कि वहाँ पहली बार ऐसा हुआ था कि बुद्ध ने जो महिलाएँ थी ना उनको भी भिखनी बनाया था, प्रवज्ञा दिलवाई थी और उनको भी जो है ना जैसे बनते होते हैं ना, अब वो मुझे वर्ड एक्चुअली याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, फीमेल भंते जी को क्या बोलेंगे, भिक्कुनी। हाँ, बिच्छुड़ी या भिक्कुनी। ऐतिहासिक चीज यार, यहाँ बुद्ध खुद आए तो ऐतिहासिक तो हो गई ना। तो फाइनली हम लोग संकिसा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर है ना मुझे देखने को मिला है कि रास्ते में जो बहुत सारे है ना विदेशी क्या बोलते हैं ना मोनेस्ट्रियाँ हैं, अलग अलग विदेशी हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में आपका स्वागत है। तो जो मेन जगह थी ना जहाँ पर बुद्ध आए थे वो थोड़ा सा यहाँ से आगे है, लेकिन है ना अभी लगभग टाइम होने वाला है 11 और यहाँ पे जितने भी मोनेस्ट्री है ना ये सब बंद हो जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं पहली बार मोनेस्ट्री की चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आपको मेन जगह पे ले जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए ये सब है ना उनकी कलाकृतियाँ हैं, जैसे म्यांमार में जिस तरह से बुद्ध को समझाया जाना है उन लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप्ड एरिया है और होना भी चाहिए इसको यार। मुझे ऐसा लग रहा है कोरोना की वजह से सब बंद कर रखा है। शानदार थी। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये वो होटल है द रॉयल रेसिडेंसी, जहाँ पे 2018 में जब दलाई लामा जी आए थे ना तो वो यहीं पर रुके थे। 12 बजे तक लिखा है ना जहाँ पे 12 बजे तक जा सकते हो अंदर? अभी खुलता नहीं है लॉकडाउन। कोरोना के टाइम है ना हम बहुत सारी जगह पे नहीं गए, उसका कारण भी यही था कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम मेहनत करके वहाँ तक पहुँचेंगे जैसे तैसे, क्योंकि वहाँ पर जाने का भी तरीका था नहीं। गाड़ी वाड़ी से भी जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप पता चला कि वो अंदर ही नहीं जाने दें। तो ये मोनेस्ट्रीज जो हैं ज़्यादातर कोरोना की वजह से जो है ना वो बंद है, मतलब आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो थी वो जापानीज़ मोनेस्ट्री थी। तो ये श्रीलंकन मोनेस्ट्री है और ये भी मेन जगह नहीं है, बट ये है कि ये जगह इतनी फेमस है इस वजह से यहाँ पर विदेशियों ने सब लोगों ने अपने अपने एक मोनेस्ट्री बना रखे हैं जो कि बहुत सुंदर हैं, बट अभी अंदर नहीं जा सकते हैं और ना ही यहाँ पे हमें कोई दिख रहा है, कोई ताले लगे हुए हैं, सब सो सा रहे होंगे अभी तो है ना कोरोना की वजह से। तो सब कुछ मतलब बंद कर रखा है लेकिन वैक्सीनेशन चालू हो गई है यार, तो ये भी चालू हो जाने चाहिए। राजनीतिक बातें नहीं होंगी यहाँ।
तो ये पूरा जो इलाका है ना, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पर हर चीज जो है ना बुद्ध से रिलेटेड ही मिलेंगी आपको। और हमें पता नहीं यहाँ पे अंदर अलाउड है कि नहीं, गेट खुला था इसलिए हम अंदर चले आए। यहाँ भी बहुत सुंदर एक बुद्ध की मूर्ति है, एक स्टार्टिंग में है बहुत सुंदर, एक वन पीस जो होती है ना स्टोन की वाली मूर्ति है यहाँ पर। एक कोरोना की वजह से बहुत कम मोनेस्ट्री है यहाँ पे अंदर आप जा सकते हो, और यहाँ भी लॉक लगा हुआ है। वंदना भी बनते जी, ये कोरोना की वजह से सारे मोनेस्ट्री बंद हैं क्या? तो यहाँ पर बुद्ध जो हैं वो उपदेश देने आए थे, नहीं ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ग से आए थे, किताबों में स्वर्ग से लिखा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हो भी सकता है। नहीं, बुद्ध तो स्वर्ग को मानते ही नहीं थे ना, स्वर्ग नर्क नहीं, जो कही है स्वर्ग नरक को मानते थे, लेकिन वो की कही है आज के समय में वो क्या बोलते थे, स्वर्ग या तो उनकी जो है वो रहते थे उसको स्वर्ग बोलते होंगे, ऐसे ही है, है ना? अभी यहाँ पर लाइट नहीं है, और पंखे की इतनी लाइटें लगी तो यहाँ लाइट तो होगी, लेकिन ऐसी जगहों पर तो यार लाइट व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, इन्वर्टर होना चाहिए, ये सारी नहीं, यहाँ नहीं, इस इलाके में एक इंटरनेशनल जगह है यार, मजाक थोड़ा चल रहा है, कोई मजाक ही चल रहा है, और सरकारें राजनीतिक बातें नहीं होंगी यहाँ पे। कितनी सुंदर है यार, ये नीचे जाएगी, लेकिन तारा डला है, ले ले मुगा तो। रोड के उस पार जो है ना वो कंबोडियन मोनेस्ट्री है, लेकिन वो भी कोरोना की वजह से आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वो भी बहुत सुंदर आपको दिखाया ना, कितना शानदार व्यू था यार, और मेरी आंखों के सामने है ना एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पर है। देख लो, अनी को दिखाना, दिखा ऊपर। और ये है एक अशोक स्तंभ है, और देखो इतने सारे लोग, ये लगभग सारे विदेशी हैं, इन्होंने इस पे पैसा खर्च किया है इसको बनाने के लिए। वर्ल्ड का टॉलेस्ट अशोक स्तंभ है, जैसे अशोक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिस तरह के स्तंभ बनाया करते थे ना, तो ये ऐसा ही एक स्तंभ है। देख ला, नहीं मेरो आती, ओए कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, उसे पॉडकास्ट मेरो आती, पॉडकास्ट में होगी क्या बंजी, कोई राजनीतिक बातें नहीं होंगी। सनी पता है ऊपर क्या है? हाँ। ऊपर हाथी बना है। हाँ, जय बंजी। राजनीतिक बातें नहीं होंगी यार, कितनी बार बोलूं। वर्ल्ड टॉलेस्ट जो है स्तंभ है, और इसके ऊपर वही हाथी जो अभी हमने नीचे दिखाया आपको, एग्जैक्टली वही हाथी बना हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है। कितने साल चल जाएगा? 500-600 साल चल जाएगा, फिर ये भी गिरेगा। 11 में बेंजी ने बनवाया, क्या बात है। वैसे मुझे लगता नहीं बंते जी को सही जानकारी है या फिर कुछ भी है, लेकिन अगर वो स्वर्ग की बात बंते जी कर रहे हैं यार, तो ये नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे भगवान बुद्ध बोला जाता है, अब भगवान इसलिए बोला जाता है कि वो सबसे बड़ी उपाधि है, वो ईश्वर वाला भगवान नहीं। उसी जगह से ऐसा होता होगा शायद, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि स्वर्ग मतलब जो ऐसी जगह जो बहुत अच्छी जगह हो, और नर्क ऐसी जगह जहाँ आप जाना नहीं चाहते हो। ए, तू रहने दे, नीचे आ जाएगा। अबे भाई आपने देख ही ना है, ताकत वापस। तो जो मेन जगह थी ना, जिसकी जो बोल रहे थे कि उसका जो है वो स्वर्ग से उतरे हैं, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, और अब देखते हैं एंट्री में क्या क्या है। ये वो खास जगह है, और यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करते हो ना, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया वेलकम्स यू, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ संकिसा। सो ये नॉर्मल सी जगह है, यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं है, और आप जाके देख सकते हो। और एक्चुअली ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आर्कियोलॉजिक विभाग का एरिया है, आप यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो हमने बहुत ऊंचा स्तंभ देखा था ना, वैसा असली का सम्राट अशोक ने बनवाया था, और उसका कुछ हिस्सा अभी भी यहाँ बचा हुआ है। और यहाँ एंट्री लेते ही ना, सबसे पहले पीपल का पेड़ लगा हुआ है, और वहाँ पे बुद्धा का एक स्टैचू है छोटा सा। यहाँ एक घंटा भी लगा है जिसे हमें नहीं बजाना है, घंटा घंटा नहीं बजाया जाता। और ये देख रहे हो, जो ये भी एक हाथी है, उसका सर जो है वो टूट चुका है। क्या हुआ वो, इतना बड़ा जब स्तंभ गिरा होगा ना, तो वो जो एरिया होता है सर वाला, सूंड वाला, वो कमज़ोर होता है, तो हो सकता है इसलिए वो टूट गया हो।
से आप एंट्री लेते हो ना, तो यहाँ पर एक पुराना सा एक खंडर सा बना हुआ है, और ये पुराना लग नहीं रहा जाता मुझे, बट जो ये ईंट है ना यहाँ पे, ये सम्राट अशोक की ईंट टाइप की लग रही है। उस समय इसी तरह की ईंट बनती थी, और ऐसे हम जैसे सांची वगैरह भी गए थे, वहाँ भी ऐसी ही ईंटें थी, बौद्ध स्तूपा वो सब बने हुए थे। और ये एग्जैक्टली वो जगह ऊपर है जहाँ पे बुद्धा आए थे, शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर लोग बोलते हैं स्वर्ग से आए थे, लेकिन स्वर्ग से नहीं आए थे। पुरानी ईंटें दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ स्तूप नहीं दिख रहा। यहाँ पे दो मंदिर बने हुए हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल विभाग का एरिया है, मुझे लगता है यही स्तूप था जहाँ अपन खड़े हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये स्तूप ही है। तो हम यहाँ ऊपर आए तो हमको लगा कि यहाँ स्तूप होगा, बट यहाँ पर निकला मंदिर होगा, बुद्ध का कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा बुद्ध की स्टैचू भी नहीं है यहाँ पर। और ये बहुत मतलब ऐतिहासिक जगह है यार ये, मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह पे हम चढ़े हैं ना, ये स्तूप ही है। तो ये वही जगह है जहाँ बुद्ध आए थे, उन्होंने यहाँ पर आके उपदेश दिए थे, पहली बार महिलाओं को जो है भिक्षु बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। और क्या नाम है आपका? रवि प्रताप सिंह। रवि प्रताप सिंह जी, तो ये स्तूप है जी, स्तूप है पुराना यहाँ पर। और ये जो है ये वो है, यहाँ इसके जो संरक्षक होंगे वो पहले यहाँ रुकते रहे। कितने साल पुराना होगा ये? लगभग होगा 50 के ऊपर होगा। 50 के ऊपर होगा, 50 के ऊपर होना चाहिए लगभग। अच्छा अच्छा, तो ऊपर स्तूप के ऊपर मंदिर बने हुए हैं। हाँ, छोटे वो एक शराई देवी है, उधर हनुमान जी भी रखे हुए हैं, हनुमान जी रखे, बौद्ध जी भी हैं उनके यहाँ। बौद्ध जी नहीं दिखे मुझे वहाँ पे। हाँ, छोटी सी मठिया में। अच्छा अच्छा, कितना है उनकी बनाई। तो ये मंदिर कब बने हैं, इसके ऊपर कितने साल हो गए होंगे? इनका तो लगभग हम लोगों को अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन पूरा मतलब 100-200 साल पहले बन गए होंगे, काफी समय पुराना हो सकता है। अच्छा अच्छा, और बस यहाँ पे ये दो ही चीजें हैं, इसी का आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया जिसका रखरखाव करता है। हाँ, इसी को देख रहे हैं। और जो अभी दलाई लामा जी आए थे वो यहीं पर आए थे, यहीं आते हैं, इसी ऊपर ही आते हैं, वो भी इसी ऊपर आते हैं। यही सारे लोग बहुत अन्य देशों से आकर के यहाँ पर लोग अपने अपने। आप लोग यहीं लोकल के हैं? नहीं, हम लोग फुरकाबाद के। फुरकाबाद के यहाँ आए हुए घूमने के लिए। घूमने भी आए हुए हैं थोड़ा। और क्या यहाँ क्रिकेट चालू कर लिया तुमने? ये देखो सनी को देखो, पास कर दिया मेरी वो लगी है बैट, चक्का मारेगा मैं बोल्ड करूंगा। ये स्तूप है वो, और यहाँ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो 1 2 3 ओए। कैमरे भी दे दिए तुमने, वो तो अच्छा रहा बीच में हाथ लगा दिया मैंने भाई साहब, बीच में हाथ लगा दिया कैमरे टूटता हाथ लगा दिया, सॉरी भाई साहब। तथागत लाइव के सम्राट तुम्हें समा नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और यहाँ से बस सीधा हम लोग ग्वालियर निकलेंगे, और वहाँ बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मतलब आप सोचो, आप इतनी दूर आते हो और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक बिना रखरखाव का टूटा हुआ सा स्तूप। लेकिन ठीक है, ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ बुद्ध खुद आए थे इस इलाके में। स्तूप तो बाद में बनाए, और स्तूप जो बनवाया वो सम्राट अशोक ने बनवाया, स्तंभ भी सम्राट अशोक ने बनवाया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनवाया। चक्रवर्ती बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया इससे पहले सिर्फ उन्होंने ही इकट्ठा कर पाए थे। और ये सोचो यार, यहाँ सच में बुद्ध आए थे, मतलब बुद्ध कोई माइथोलॉजिक करेक्टर नहीं है, वो एक रियल इंसान थे, और इस जगह पर आए थे जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं। तो फिर मिलते हैं आपको कल ग्वालियर में, या रास्ते में भास्कर के घर पे। ठीक है, ठीक है भास्कर, खुश अब तो खुश हो ना? बहुत ज्यादा उदास हो रहे अब, क्यों अब जान भाई होता से। अंदर से रोन आ रहे ऐसे, कोई अपनों जान वालों इसको चुप कराते अपन। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग।